आप सबका स्वागत है और आज हम देखेंगे कि TDS Pro सॉफ्टवेयर में TDS स्टेटमेंट का ई फाइलिंग कैसे करते हैं। ये TDS Pro सॉफ्टवेयर का होम विंडो है और जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो डिडक्टिव बी है उसके अगेंस्ट हमने TDS एंट्रीज क्रिएट की थी, उसका TDS पेमेंट किया था, तो अभी हम देखेंगे कि उसका ई फाइलिंग कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे ई फाइलिंग ऑप्शन दिया है, उसमें ई फाइल जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके आगे ई फाइल फॉर्म 24, 26, 27 and 27EQ जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म नेम जो है 26 और हमने क्वार्टर थर्ड का किया था तो यहाँ पे मैं थर्ड क्वार्टर सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि काइंडली कन्फर्म दैट फॉर्म 26 ओरिजिनल रिटर्न हैज नॉट बीन फाइल्ड फॉर एनी अदर क्वार्टर। इफ इट इज फाउंड दैट द सेम हैज बीन फाइल्ड एंड यू हैव नॉट प्रोवाइडेड द PRN देन द रिटर्न विल बी रिजेक्टेड बाई NSDL। तो ये मैसेज अभी आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हैज प्रीवियस पीरियड रिटर्न फाइल, यहाँ पे मैंने नो सिलेक्ट किया है। अगर मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करता हूँ तो जो भी आपका लास्ट एक्सेप्टेड TDS रिटर्न होगा उसका जो प्रोविजनल रिसिप्ट नंबर जो है PRN नंबर वो आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं अभी यहाँ पे नो पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद वो मैसेज फिर से पॉपअप हुआ, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। तो जो भी डिटेल्स थी, टोटल पेमेंट, टोटल डिडक्शन, टोटल पेड जो अमाउंट है वो, नंबर ऑफ चलांस कितने थे, नंबर ऑफ पे कितने थे, यहाँ पे जो पैन वेरीफाइड ऑप्शन है और नॉट वेरीफाइड जो ऑप्शन है, तो मैंने अभी यहाँ पे डमी पैन डाला है तो यहाँ पे इसके लिए नॉट वैलिड करके आ रहा है, इनवैलिड करके आ रहा है। पर अगर आपका वैलिड है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है और वेरीफाई करना है, तो आपका जो पैन है वो वेरीफाइड हो जाएगा और पैन वेरीफाइड जो ऑप्शन है वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद सेम कंडीशन जो है वो चलान मैच जो आप करते हो तो वो भी वैसे ही है। मैंने यहाँ पे डमी एंट्री की है तो वो अभी वैलिडेट नहीं होगी, पर जब आप एंट्री करोगे तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करके वैलिडेट चलान करना है, तो वो भी एंट्री जो है यहाँ पे मैच चलान में आ जाएगी। उसके बाद CSI फाइल पाथ, यहाँ पे आप डाउनलोड करके पर्टिकुलर क्वार्टर का आप CSI डाउनलोड कर सकते हो, या आगे जो ब्राउज का ऑप्शन दिया है तो आपने एक्सटर्नली अगर डाउनलोड किया है CSI फाइल तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको ई फाइल बटन पे प्रेस करना है, उसके बाद जो TDS रिटर्न है वो वैलिडेट हो जाएगा और वो जो FU फाइल है वो आपको सबमिट करनी पड़ेगी NSDL में। थैंक यू।